दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप भी ज़ेरोधा या फिर किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता ही होगा ट्रेडिंग में दो अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है, जिसमें NSE और BSE होती है। तो बेसिकली हम ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई शेयर बाय कर लिया है, हमने कोई शेयर परचेस कर लिया है, अगर हम इसको NSE में बाय करते हैं तो क्या हम उसको BSE में बेच सकते हैं या नहीं। ये कभी बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, तो आज मैं इसका आपको सही से आंसर या फिर जवाब देने वाला हूँ। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें हमें बताया जाता है कि आप NSE से BSE में सेल कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब यही है, हाँ, अगर आपने NSE में या फिर BSE में दोनों में से कहीं पर भी आपने अगर बाय कर रखा है, तो आप उसको अलग अलग में जाकर भी बेच सकते हैं। मान लीजिए आपने NSE में कुछ खरीद रखा है, तो आप उसको अगर BSE में उसकी प्राइस काफ़ी अच्छी मिल रही है, हाई प्राइस उसकी वहाँ पर आपको मिल रही है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसको सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी BSE में सेल किया है और NSE में आप देखते हैं कि हाई प्राइस चल रही है, एक दो पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, और आप उसमें बेचना चाहे, तो जी हाँ, बिल्कुल आप उसमें भी बेच सकते हैं। मतलब आप NSE में BSE में भी बेच सकते हैं, NSE का BSE और BSE का NSE में बेच सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ उसी में बेचना होगा। हाँ, आप लोगों को वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर देने पड़ सकते हैं, जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज होगा उसका आपको जो भी आपकी कंपनी होगी उसके हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज तय होगा, लेकिन वो आप सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट फटाफट से वहाँ से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में आपको ये सब प्रोसेस करके भी दिखाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।